वंदे मातरम दोस्तों, आज जो पैस एडिटिंग लेके आए हैं बहुत ही काम का है, जो संदेश से आते हैं बॉर्डर फिल्म का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटिंग। पहले हम ए वैंग में जाएंगे दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट क्या है देख लेते हैं। I-20, I-09, L-19, O-02, J-13, I-09, L-27 और L-27। चलो लेवल देख लेते हैं दोस्तों। 12, 12, 15, 11, 10, 12, 10 और 10। दोस्तों पिच देख लेते हैं। -7, 13, +2, -5, -4, +13, +1 और +1। दोस्तों डी के लिए देख लेते हैं। 0, 0, 10, 0, 0, 0, 20 और 20। 10 देख लेते हैं। सी टी आर सब में है दोस्तों, ऑल कर लीजिएगा, और ई पी 4 ऑल कर लीजिएगा। चलिए एफ एक्स हम दिखाएंगे लास्ट में। तो बी वैंग में चलते हैं। स्मॉल एज 27, L-24, L-27, O-02, L-57, F-22 और A-15 और स्मॉल एज 02। दोस्तों लेवल फर्स्ट से देख लेते हैं। 12, 8, 8, 11, 10, 14, 10 और 10। पीच देख लेते हैं दोस्तों। 0, +1, +1, +1, -6, -7, -4 और +3। दोस्तों डी के देख लेते हैं। 31, 31, 20, 10, -4, 10, 10 और 20। दोस्तों पेन सी टी आर है वो, और क्रब आप सेटिंग देख लेंगे। ए पी 4 में ऑल कीजिएगा, हम ए पी 4 में बजाते हैं और इसमें बहुत अच्छा काम आता है दोस्तों। इससे बाद में जब हम वीडियो बनाएंगे, जो मिक्सिंग प्रॉब्लम कौन सी सेटिंग के लिए होता है ज़्यादातर, वही सेटिंग लेके आएंगे। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादातर लाइक कीजिए। अगर इस वीडियो को हम ज़्यादातर ज़्यादा व्यूज़ मिलता है तो उस वीडियो को हम लाएंगे, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का एक कॉमेंट है मिक्सिंग कौन सी सेटिंग के लिए होता है। दोस्तों वो कोई पीजू सेंसर के प्रॉब्लम नहीं है, होता है वो सेटिंग के कुछ प्रॉब्लम है तो हम बोल देंगे, कोई बात नहीं। तो चलिए एफएक्स देखते हैं। एफएक्स दोस्तों किस में यूज़ किया है पहले देखना चाहिए। इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है। तो एफएक्स सेंड जो है दोस्तों, इसको आप देखिएगा 13 है। चलिए कोई बात नहीं, ए बैंक में और बी बैंक में देख लेते हैं। इसमें है और इसमें है। चलिए इसका जो मॉडल नंबर है, यानी इको का जो मॉडल है दोस्तों देख लेते हैं। 20 है और इसका एफएक्स जो टाइम है दोस्तों जल्दी से देख लेंगे। इसका एफएक्स टाइम हम यूज़ करते हैं 14 में, अब चाहे तो 12 में भी यूज़ कर सकते हैं, आपका जैसा मतलब रिदम चलता है कोई बात नहीं। और इसका जो मतलब लेवल है, लेवल हम देख लेंगे 13 है। तो चलिए इसका जो दोनों और बराबर है दोस्तों, बजा के देखते हैं। इसका बजाने का तरीका जो है देख लेते हैं दोस्तों। पहले हम एक साथ देखेंगे इसका टोन कैसे आता है। दोस्तों अगर आउट कोई नॉइज साउंड के लिए कोई प्रॉब्लम होता है तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि हमारा घर घर के बगल में एक दुकान है, बहुत बाजार है, तो क्षमा कीजिएगा। और ज़्यादातर हम रात में इसीलिए वीडियो बनाते हैं, तो आज मतलब टाइम नहीं था इसीलिए हम बना रहे हैं। तो चलिए बजाने का तरीका, पहले राइट हैंड, पहले जो ढोल का जो रिदम है, इसमें डफले के साथ एक बायां यूज किया है, इसमें स्लैब बायां जो है उसके साथ क्लब भी यूज किया है। देखिए बहुत मजा आएगा। ना 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 ना।
फिर आएंगे। ऐसा आप ढोल के साथ पांच करके यानी हैंसोनी के साथ ढोल के साथ अगर आप बजाते हैं अपना बैंड में, देखिए बहुत ही मजा आएगा। इसके साथ ऐड होगा दोस्तों बेस गिटार है, लीड गिटार है, कीबोर्ड्स है। तो ये जो हम बनाते हैं अपना, हम जो यूज़ करेंगे यानी जो 15 अगस्त को हम बजाएंगे वही आपको, आपके लिए हम भी प्रेजेंट किए। तो बनाइए, यूज़ कीजिए, बहुत मज़ा आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग सुस्त रहिए, अच्छा रहिए और मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों अगर अच्छा लगता है तो। तब तक के लिए लेते हैं विदा, टाटा।